The charge on a capacitor of capacitance 10 microfarad connected as shown in the figure in steady state. तो steady state में इस capacitor पे कितना charge आएगा ये हमको बताना है. तो steady state का मतलब क्या होता है ये समझो कि in steady state capacitor is fully charged. capacitor क्या हो जाता है? fully charged हो जाता है. और कैसे behave करता है? it behaves like open circuit. मतलब अगर question आपको कहे ना कि capacitor fully charged हो गया है तो जहाँ पे capacitor लगा हुआ है उसको हटा दो, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और उस ब्रांच में या उस वायर में करंट को जाने ही नहीं देगा, ब्लॉक करेगा करंट को. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपेसिटर को हटा दिया, तो एक ओपन सर्किट बन गया. क्या बन गया? ओपन सर्किट बन गया. अब मुझे फाइंड क्या करना है? चार्ज फाइंड करना है. तो चार्ज फाइंड करने के लिए क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करो, क्योंकि चार्ज के लिए क्या करना पड़ता है हमको, क्यू इक्वल्स टू सी वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है. तो C तो हमको पता ही है 10 माइक्रोफेराड, तो इसके आसपास, इसके इधर और इसके इधर कितना वोल्टेज होगा ये पता लग जाए तो इस पर चार्ज भी पता लग जाएगा. ठीक है, अब देखो इस सर्किट में मैंने ये हटा दिया, तो इस पूरी वायर में 0 वोल्ट मान लिया मैंने, यहाँ पे 0 वोल्ट. ठीक है, क्योंकि बैटरी 2 वोल्ट की है, तो एक जगह 0 वोल्ट आएगा और दूसरी जगह मैं 2 वोल्ट मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 वोल्ट मान लिया मैंने, क्योंकि बैटरी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, तो एक तरफ 2 वोल्ट और दूसरी तरफ 0 वोल्ट. राइट, अब इस सिचुएशन में इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे इस पूरी वायर में यहाँ तक 2 वोल्ट रहेगा, जबकि यहाँ पे करंट जाएगा तो ये कुछ वोल्टेज खा जाएगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा यहाँ पे, 0 वोल्ट बचेगा. ठीक है, तो ये 2 वोल्ट खा जाएगा, ये 2 वोल्ट खा नहीं पाएगा क्योंकि इधर करंट ही नहीं है. तो इस पूरी वायर में कितना वोल्टेज रहेगा? 2. इधर कितना है? 0. तो कैपेसिटर के आजू बाजू, कैपेसिटर के दोनों साइड्स पे कितना वोल्टेज रहा? एक जगह 2, एक जगह 0 वोल्ट. तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 माइनस 0, 2 ही हो गया. तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो हमारा कैपेसिटेंस तो 10 है, वोल्टेज इसके अक्रॉस में 2 है, तो चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर पे? चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे 20 माइक्रोकूलम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, करंट की ज़रूरत नहीं है हमको यहाँ पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ.